पंजाबी कलाकारा ने इस नूं सांभ के रख्या होया। सो मैं धन्नवादी हाँ पंजाब दे कलाकारां दा, चाहे वो एक्टर है, चाहे डायरेक्टर है, चाहे गीतकार है, चाहे गाउण वाले है, इन्होंने साडी विरासत नूं अगे वधाया ते पंजाब दा माण जिहड़ा उच्चा कीता। कम तो यह साडी सरकार दा सी, लेकिन चीमा साहब ने करता। चीमा साहब तुहानूं वधाई होवे, तुहाडा बड़ा धन्नवाद। तो ये चीज़ा साडे पंजाब दियां हैगियां जिहड़ियां फिल्मा के दसियां जांदियां। पंजाब दा बहुत बड़ा दिल है, पंजाब बहुत कहिंदे वी ए पंजाब करा की सिफत तेरी, शाना दे सब सामान तेरे, जल पौण तेरा, हरियाल तेरी, दरिया पर्वत मैदान तेरे। पंजाब दी तां कोई रीस ही नहीं है। पंजाब दा नौजवान जिथे भी चला गया, पंजाब दा लोग प्रवास करके जिथे चले गए उत्थी कामयाब होए, उन्होंने भी कामयाब किया। पंजाब दी ट्रांसपोर्ट जिथे देखो ट्रांसपोर्ट पंजाबियों ने संभाली, भी किन्ने काम। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, परमात्मा दी अपार कृपा दे नाल चीमा परिवार नूं खुशियां दा माहौल मिलिया है। ते इन्हां ने पंजाब फिल्म सिटी दी इत्थे शुरुआत कीती है। कई बार किते जाके ना थोड़ा रोज ही खुश हो जाती है। मेरे नाल भी अज इस तरह ही होया कि इस प्रोग्राम च आके मैनू बड़ी खुशी मिली। पहला तो गुरप्रीत घुग्गी जी दिखे सामने ही आते, उपासना सिंह जी दिखे, सुनीता धीर जी, जपजी खहरा जी, पम्मी बाई दिखे सामने। वैसे ही भंगड़ा पाने जी कर जाता इन्होंने देख के। मास्टर सलीम जी बैठे है, उन्होंने देख के पता नहीं किन्ने गाने याद आ जाते हैं। मेरे बहुत ही याद है थोड़े गाने जवानी, जे कदे स्टेज पर भुल गए मैं याद करा दूंगा। सतविंदर बुग्गा जी मेरे बहुत दोस्त है, हरभजन शेरा जी, दर्शन औलख जी, ये सारे देखो ये है कि एक साड़ी रूह की खुराक होंदी है। साड़ी माँ बोली की जिहड़ी गीत है, उहदियां जिहड़ियां फिल्मां, वो साड़ी रूह नूं ताज़ा करदियां, उहनूं खुशी दिंदियां। ते अज उस खुशी च वाधा होने वास्ते पंजाब फिल्म सेंटर सिटी खुल रहा इत्थे, इह साडे वास्ते बड़ी भारी गल है। साडे कल्चर नूं प्रमोट करेगा, साडे पंजाबी सिंगिंग नूं, पंजाबी फिल्मां नूं इह प्रमोट करनगे। ते इहदे नाल पंजाब दा जिहड़ी विरासत है उह लोकां आउण वाले जनरेशन नूं पता लगेगी। अज कोई हिंदुस्तान की क्या बाहर दिया भी फिल्म होता पंजाबी म्यूजिक बिना चल दिया नहीं, जब पंजाबी टच आ जाता बिच फिल्म हिट हो जाती। सो ये माण पंजाबियों नूं ते साडे पंजाबी एक्टरां ने, पंजाबी कलाकारां ने इस नूं सांभ के रख्या होया। सो मैं धन्नवादी हाँ पंजाब दे कलाकारां दा, चाहे वो एक्टर है, चाहे डायरेक्टर है, चाहे गीतकार है, चाहे गाउण वाले है, इन्होंने साडी विरासत नूं अगे वधाया ते पंजाब दा माण जिहड़ा उच्चा कीता। और समाज नूं सेध देण वास्ते इन्हां तों वधिया कोई जरिया नहीं है। मैं कोई गल कहां स्टेज तों तां उहदा उन्ना असर नहीं हुंदा। साडे राजनीतिक बंदिआं नूं तां अद्धे तां झूठा ही मानदे, कि अद्धे तों भी ज़्यादा मानदे। लेकिन जब कोई सिंगर गल करता, जब कोई एक्टर गल स्टेज तो करता है तो उहदा असर होंदा। जिवें जब गाने वाला गाँवदा जी डब्बा विच बंद बोतलां मुंडे मारदे फिरन ललकारे, तो पिंडां च मुंडे दारू पी के ललकारे मार लग जांदे। लेकिन जब गुरदास मान गाँवदा है कि रोटी हक दी खाइए जी भावें बूट पालशां करीए, तां नौजवान समझदा यार रोटी हक दी कमा के खानी चाहीदी। सानूं समाज नूं सेध मिलदी है, इस करके चंगीआं फिल्मां, चंगे गीत, चंगी शायरी ये समाज नूं सेध देण दे विच बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान पैदा करदी है। और इहदी पंजाब फिल्म सिटी खुली है, इत्थों पंजाब दे लोकां नूं बड़ी भारी सेध मिलेगी। ते
काम तो साढ़े सरकार का सी लेकिन चीमा साहब ने करता। चीमा साहब तुम बधाई हो, थोड़ा बड़ा धन्यवाद, बड़ा काम तुसी कीता है। लोग बंबे नू जांदे है, होर पासे जांदे, लेकिन हुण सारा कुछ इत्थे मिलेगा। असी भी पंजाब सरकार वालों 2-400 acres की एक फिल्म सिटी लियाना चाहते हैं, जिहदा मैं पिछले दिनों च ऐलान भी किया। मेरे पास एक्टर साहबान और गाण वाले वीर आए से इकट्ठे होके, इन्होंने मैं सुझाव दिता है, तो असी बड़ी छेती इस वालों तुरंगे। तो जिस तरह यूपी ने उत्थे जो कोई फिल्म बनती है वह कहें जी 15.5 acres में कम करने चाहिए, असी थोनों इन्नी सबसिडी देवे। इस तरह का असी कोई मॉडल लेके आ रहे हैं, जिदे नाल पंजाबी फिल्मा ते बाहर दे लोग आके हिंदी या होर फिल्मा इत्थे बनाउण, ताकि उन्हां नूं असी उत्साहित करिए। ते साडी इत्थे जदों एक फिल्म बनती है, मैं तो उपासना सिंह जी नूं देखिया, ते साडे मरिंडे विच बनाउण आए सी इक दफ। इन्हां दा हमला आउंदा है काफ़ी बड़ा, कोई ढाबे ते बैठदा है, कोई होटल बुक कराउंदा है, कोई टैक्सी चलाउंदा इन्हां दे नाल, 100-150 बंदे नूं पैसे इनगेज कर लेंदे, कोई ऑडियंस ही खड़ी कर लेंदे पैसे दे के। उहदे नाल व्यापार वधदा, साडे रुजगार वधदा है। सो ये चीज़ां जे तुसी लेके आओगे नाल खुशी भी मिलती है। हुण जद मेहर मित्तल परदे ते आए करदा सी, बंदा पहले ही हसण लग जांदा सी, जे आया ही हुंदा सी, पता नहीं भी क्या बोलना उहने माड़ी माड़ी गल। हुण जिस तरह वो जगह घुग्गी उहनां ने ले ली है, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹਦੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰ ਮਿੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਲੈਣ ਆਏ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਜਾਏ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਜੰਮਣ ਕੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਉ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਲੂਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਉ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਊਆ ਲਿਆ ਦਿਉ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੇਹਰ ਮਿੱਤਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੇਰੀ, ਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਸਾਮਾਨ ਤੇਰੇ, ਜਲ ਪੌਣ ਤੇਰਾ, ਹਰਿਆਲ ਤੇਰੀ, ਦਰਿਆ ਪਰਬਤ ਮੈਦਾਨ ਤੇਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਖੜਾ ਦੇਈਏ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਦੇ ਦੇਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਯੂਨਿਟ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦ ਉਤਰਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇਗਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ।